अच्छा यार, ये मैं अपने व्लॉग में ना छोटा सा क्लिप ऐड करूँगा, बच्चे जो स्कूल की ट्रेनिंग वगैरह हो रही है ना। तो यार मैं भी शोखा होकर खेड़ी पहन के आ गया, तो मेरा सारा पैर छीला गया, लंबा बड़ा बहुत पैदल चलना पड़ रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ, लेकिन मैं आज तक यहाँ पे कभी नहीं गया। चाबी लगा आज से कबल तकरीबन ना 1.5 से 2 साल पहले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये खानेवाल डिस्ट्रिक्ट तहसील कबीरवाला का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है जी, फुटबॉल स्टेडियम ना के क्रिकेट स्टेडियम। तो मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ इसका, लेकिन जब लास्ट टाइम मैं क्रिकेट वाला शूट करने गया था व्लॉग, तो वहाँ भी लोग सारे गैप हो गए थे। तो मैं यहाँ पे हमें व्लॉग शूट करने, तो यहाँ भी भाई कोई भी नहीं है। सैटरडे है ना, संडे को ज़्यादा रश होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवाता हूँ यहाँ का। यार इधर मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी हुई है, मैं कहूँ यार यहाँ पे तो कोई रश वगैरह नहीं है, मोटरसाइकिल क्यों खड़ी हुई। फिर याद आया कि सामने गवर्नमेंट स्कूल है, तो वहाँ के बच्चे यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी वगैरह कर देते, साइकिल वगैरह बिल्कुल सामने, तो फिर वहाँ जाके पढ़ रहे थे। मैंने वो चाचा से पूछा, उन्होंने बताया मुझे। तो ये आप देख रहे हैं, ये लाइट चेक करें कितनी बड़ी लाइट है, ये 1 2 3 4 जिस टाइम यहाँ मैच होता है ना, रात टाइम चलती हैं, तो यकीन मानो पूरा कबीर वाला खिलखिला जाता है। इतनी रोशनी होती है यहाँ पे, हाथ देखो। आज से कबल तकरीबन ना 1.5 से 2 साल पहले यहाँ पे सिर्फ ये ग्रीनरी हुआ करती थी, ना टफ टाइल, ना लाइटें, ना जनरेटर, ना वो चेंजिंग रूम, रेस्ट रूम। ये फिर हमारे पॉलिटिक्स को कन्फर्म नहीं पता ना किसने बनाई है। तो ये चेंजिंग रूम, रेस्ट रूम, थोड़ा सा इधर जाके रिव्यू फ़ोटोशूट करते हैं। वहाँ पर सामने क्रिकेट खेल रहे हैं कुछ लोग। तो भाई एक सामने नज़र आ रहा है आपको, ज़रा अपनी प्रैक्टिस कर रहा, तो मैं बड़ा हैरान हुआ, इतनी हार्ड प्रैक्टिस, जाके उनसे थोड़ा सा देखते हैं अगर वो अपना वो व्लॉग शूट करवाएं तो। ये आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ, लेकिन मैं आज तक यहाँ पे कभी नहीं गया। चाबी लगी हुई है अंदर, यहाँ किसी से पूछते हैं अगर अंदर जाने देते हैं तो, आपको अंदर का थोड़ा सा रिव्यू चेक करवाते हैं। शोखा होकर खेड़ी पहन के आ गया, तो मेरा सारा पैर छीला गया, लंबा बड़ा बहुत पैदल चलना पड़ रहा है। तो यार मुझे आप सबसे एक ही गिला है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों अजीज़ों में शेयर करें। अमान व्लॉग 892 चैनल है मेरे नाम का। यार यहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चे आए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ी सी हिम्मत करते हैं जाके इनके पास, देखते हैं कि भाई क्या सिस्टम है, क्योंकि यार पीछे भी लोग बैठे हैं, सामने भी बच्चे बैठे हैं। मुझे ना कंफ्यूजन बहुत होती है वीडियो बनाते हुए, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि बहुत टफ़ काम होता है पब्लिक में व्लॉगिंग करना। तो मैं ज़रा स्लो बोल रहा हूँ, मैं स्पीकर थोड़ा सा तेज़ कर दूंगा जब वो वीडियो एडिट करूँगा ना। मैं थोड़ी सी शर्म आती है, लेकिन शर्म किस चीज़ की, जब लोगों ने आपको कुछ देना ही नहीं है। लोग झूठे दिलासे दे सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। यार ये कुछ बच्चे ना प्रैक्टिस कर रहे हैं स्कूल की, मैं ज़रा थोड़ा दूर हूँ, पास जाते हैं अभी थोड़ी देर तक। अच्छा यार ये मैं अपने व्लॉग में ना छोटा सा क्लिप ऐड करूँगा, बच्चे जो स्कूल की ट्रेनिंग वगैरह हो रही है ना, तो ज़रा देखो। अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो हमारी वीडियो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह शूट हो चुकी है, अब इसको एडिट करते हैं और व्लॉग करते हैं। तो मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अमान व्लॉग 892 अपने दोस्तों अजीज़ों में शेयर करें। तो वो पहले ज़रा मैंने आपको गलत गाइड किया कि जिसने बनवाया ये बनवाया महाराजा हयात हराज साहब ने, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा रिव्यू दिखाया ना इसका। जैसे मसलन अब आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में राय का इजहार तो लाजमी किया करें जी। मैं ऐसे इंतज़ार करता रहता हूँ कि कोई कमेंट नहीं कर रहा, व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन व्यूज़ इस तरह आते हैं कि कोई प्ले करते दस्ती बैक कर देता है।
तो काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मान वी लोग 892 मेरे चैनल का नाम है, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।